दोस्तों। हाय दोस्त नमस्कार, मैं इंद्रजीत पासवान कलकत्ता अबड़ा से। मैं आज आपको पोलो का वॉक्सवैगन पोलो का जो गाड़ी है इनका स्टार्टिंग ट्रैवल के ऊपर वीडियो देने वाले हैं। तो स्टार्ट होने में देरी हो रहा है, काफ़ी लंबा क्रैंकिंग करना पड़ रहा है, उसके बाद स्टार्ट हो रहा है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। मैं पहले दिखा दूँ, गाड़ी स्टार्ट है मगर गाड़ी में हल्का नॉबिंग भी है और इसको मैं अभी इंजेक्टर चेक करेंगे। कैसे इंजेक्टर चेक करेंगे वही आपको दिखाने वाले हैं और कितना क्रैंकिंग ले रहा है वो आपको दिखाने वाले हैं। तो यहीं पर दिखाइए, तो गाड़ी बंद कीजिए। तो बंद हो गया, सेल मारिए, सेल मारिए, सेल। ये काफ़ी लंबा क्रैंकिंग लिया, ठंडा होने के बाद और ज़्यादा क्रैंकिंग ले रहा है। तो इसी को डायग्नोस करेंगे और बीमारी ख़त्म करेंगे। तो दिखाते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है, फिलहाल डायग्नोस करेंगे या बीमारी ठीक होगा कि नहीं ये तो गाड़ी ओनर के ऊपर है, काम करवाएंगे कि नहीं। मगर मैं इसको, मुझे लग रहा है जो बीमारी है, हमको लग रहा है इसका इंजेक्टर में ही प्रॉब्लम हो सकता है। मॉबिंग हो रहा है और इस तरह का स्टार्टिंग में लंबा क्रैंकिंग करना पड़ रहा है। पहले मैं इंजेक्टर का बैक लेकर चेक करेंगे और कैसे चेक करेंगे मैकेनिकल वो आपको हम बता रहे हैं। गाड़ी को बंद कीजिए, गाड़ी बंद करो, थोड़ा सा वीडियो बंद करो, पहले सब तार खोल ले। तो ये पाइप खोलने का भी तरीका है, ये लॉक देख रहे हैं ना, ये लॉक पहले बाहर निकलेगा। 41 में मैं निकाल दिया और इसको आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे सटा हुआ है, सटा हुआ है, इसको टानेंगे तो बाहर नहीं निकलेगा। इसको पहले बाहर निकालना होगा, ये लॉक को हल्का ही बाहर निकलेगा, उसके बाद पाइप बाहर निकलेगा। बहुत सावधानी के साथ इसको मुझे बाहर निकालना होगा। चलिए ये वाला बाहर निकल गया, नज़र आ रहा है, नज़र आ रहा है, और ये आप दिख रहा है और नीचे नजर लेगा कैमरा। देखिए ये वाला बाहर निकल गया, इसको पुश करेंगे तो ये जाके लॉक हो जाएगा। अभी बाहर है, अभी पाइप निकल जाएगा, ये पाइप अब आस्ते आस्ते बाहर आ जाएगा। सूखा हुआ है यहाँ पे, अब थोड़ा कोई तेल का से मैंने थोड़ा सा तेल डाल दीजिएगा, क्योंकि नोजल का चारों साइड में सूख जाता है ना, निकलने में दिक्कत होता है। थोड़ा सा डीजल इस्तेमाल कर लीजिएगा जो राष्ट्र का मुंह पे ना, राष्ट्र ठीक हो जाए। देखिए आ रहा है, आ रहा है, निकल गया। तो इसको दिमाग में रखना आप लोगों को, थोड़ा सा डीजल दे करके, देखिए इजी निकल गया। इसी को अगर डीजल नहीं डाल के ज़बरदस्ती निकालते तो टूटने का डर है। इसको भी लॉक बाहर निकाल रहे हैं, देख लीजिए कैसे निकल रहा है लॉक। नज़र आ रहा है, चलिए निकल गया। चलिए बहुत बढ़िया से निकल गया। अब मेरे पास एक टेस्टिंग किट है, देखा इससे हम जांच मेजरमेंट कर पाते हैं कि 3 इंजेक्टर सही काम कर रहा है कि नहीं। मोटा मोटी इससे मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जा रहा है, बहुत काफ़ी दिन से काम कर रहे हैं सेम है। इसको मैं नोजल के रिटर्न लाइन में डाल दिए, वीडियो को थोड़ा रोक के रखो, लंबा वीडियो ठीक है। दादा तो मेरा जो टेस्टिंग इंजेक्टर बैक लेके टेस्टिंग जो किट है, मैं इसको फिटिंग कर लिया। नजर आ रहा है मेरा फोटो, तो फिटिंग कर लिया। 1 2 3 यहाँ पे 4 टब्बर लगा हुआ देख रहे हैं,
गैस सिलेंडर भी दिए हैं तो कंप्लीट है। अब मैं गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले मेरा एक खुद का टाइम सेटिंग है, मैं 3 मिनट तक मैं हर गाड़ी को चेक करता हूँ। तीन मिनट गाड़ी तो बड़ा टाइम सेटिंग का मैं हर गाड़ी के लिए 3 मिनट इस्तेमाल करता हूँ। 3 मिनट में मैं बैग लेकर चेक करता हूँ और इधर लेकर और इसको देखो इसमें जो तेल आता है ना, तेल का क्वांटिटी नापता हूँ मैं। नाप के मैं पता कर लेता हूँ कि ख़राब है या बढ़िया है। तो इसका एक कारण है कि मैं बहुत सारा गाड़ी को मैं टेस्ट करके एक हिसाब जो है वो अपना रखे हुए, उसी हिसाब से हर गाड़ी को चेक करते हैं। तो अभी मैं इसको चेक करेंगे। डब्बा खाली है देख लीजिए और इधर ग्राउंड देखो, ये आपका स्टॉप वॉच का टाइम स्टार्ट है। हम इसको क्लिक करेंगे, 3 मिनट टोटल चलाएंगे, इसको भी स्टार्ट करेंगे और गाड़ी भी स्टार्ट होगा, दोनों एक साथ में स्टार्ट होगा। ए सेल्फ मारिए तो चलिए, 3 मिनट का टाइम है मेरे पास, मैं 3 मिनट तक इसको चेक करेंगे और रिजल्ट निकाल लेंगे इंजेक्टर ख़राब है या नहीं। ये बहुत आसान तरीका है, इससे आसान तरीका कुछ भी नहीं है गाड़ी को बीमारी पकड़ने के लिए। बेकार का चारों तरफ मत आप लोग मैंने फोन कॉल कीजिए। मैं देखता हूँ ज़्यादातर मैकेनिक भाई है जो इधर उधर चारों तरफ फोन कॉल करते रहते हैं, मतलब उनको समझ में नहीं रहता है। इस सिस्टम से आप लोग काम करते हैं तो आपको काम बहुत जेन्युइन होगा और बहुत जल्दी होगा। देख सकते कितना तेल आ रहा है, कितना बैक लीकेज तेल नहीं आना चाहिए। ये तीनों इंजेक्टर खराब है, मैं अभी आपको कंफर्म करेंगे। कितना देर हुआ है वाला, अभी एक मिनट भी नहीं हुआ, डब्बा भर जाएगा लग रहा हमको। अब हुआ एक मिनट, अभी एक मिनट हुआ। तो यहाँ पे दिखा रहा हूँ कितना ज़्यादा जा रहे, तो हम लोग चला ही नहीं पाएंगे, चला ही नहीं पाएंगे गाड़ी को। हमको 3 मिनट का 1 मिनट में बंद करना पड़ेगा, 1.5 मिनट 2 मिनट में गाड़ी को बंद करना होगा, नहीं तो डब्बा फूल हो जाएगा। गाड़ी बंद कीजिए तो इसको भी बंद करते हैं, ये वाला बंद होगा। चलिए मैं अभी देखा रहा हूँ लाइट, मान लीजिए 1 मिनट 26 सेकेंड मान लीजिए, 1 मिनट 26 सेकेंड का ये वीडियो हुआ जो कि हम लोग 3 मिनट चलाते हैं। फिर भी इधर देखो, फिर भी ये डब्बा नहीं भरता है। तो मैं पोलो के लिए मैं थोड़ा मतलब कि हर गाड़ी में मैं बता सकता हूँ कि इतना बैक लीकेज नहीं आएगा, इतना बैक लीकेज उठाइए, इतना बैक लीकेज नहीं आएगा। ये बैक लीकेज बहुत ज़्यादा है। अब तक मैं जितना गाड़ी का भी तेल नापता हूँ तो 3 मिनट के अंदर इतना तेल देख रहे हैं ना, यहाँ पे दाग दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, ये 2 का बीच में तेल रहता है, 2, 3 का बीच में तेल रहेगा, मगर उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा बैक लीकेज है, ये तो पूरा बैक लीकेज है। तो इसको हम पुष्टि कर लेते हैं कि ये इंजेक्टर इनका ख़राब है, जिसमें 3 नंबर इंजेक्टर है, ये वाला इंजेक्टर पूरा ही ख़राब है, इसका बैक लीकेज बहुत ज़्यादा आ गया है, तो ये पूरा ही ख़राब है और ये दोनों भी ख़राब है। इतना तेल नहीं आना चाहिए था, जितना तेल बैक आ रहा है इतना तेल नहीं आना चाहिए था। ये वाला भी ख़राब है, इस पर मैं थोड़ा बाद में इसको हम क्लियर करेंगे, मगर ये वाला पूरा ख़राब है, इसको आप लोग दिमाग में रखिए। तो यही सिस्टम है, इसको बैक लीकेज चेक करके इंजेक्टर पता करने का ख़राब है नहीं, और हमेशा इंजेक्टर को खोल के पंप नोजल के दुकान में भेजने की आपको कोई ज़रूरी नहीं है। तो इस हिसाब से काम कर सकते हैं और काम बहुत बढ़िया होगा। तो ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, मैं आशा कर सकता हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो का मतलब समझ गया होगा और आगे आप लोगों को इस जो वोक्सवागन का पोलो है इसका स्टार्टिंग प्रॉब्लम को डायग्नोस करने में, चेक करने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो इस तरह कीजिए, मगर एक चीज़ आपको बता दें, सारा वीडियो ख़त्म होने का चला मगर आपको पता ही नहीं चला कि वीडियो बना कौन रहा है। तो ये पासवान ऑटोमोबाइल नाम से मेरा चैनल है, पासवान ऑटोमोबाइल,
उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आप, और बेल आइकन का जो सिंबल है उसको क्लिक कीजिए और नोटिफिकेशन अपना ऑन कर लीजिए, ताकि मेरा जितना वीडियो मैं बनाऊँ आपके पास जाए वीडियो, और एक से एक धासु वीडियो मैं आपको दूंगा। करीब काफ़ी वीडियो अभी अपलोड है, जिसको पब्लिक करना बाकी है, वो सारा वीडियो आपके बीच में जाएगा। मगर सारा वीडियो देखने के लिए सबसे पहले आपको मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना ही होगा और बेल आइकन का बटन क्लिक करना ही होगा। कर लीजिए आप लोग, सिर्फ इतना ही काम कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन क्लिक कीजिए, बाकी का वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ। और देखिए, देख कर के सीख करके बड़ा काम कीजिए, आगे आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। तो रखते हैं भाई, काटो। तो मैं इंजेक्टर लेके पाम वाले भैया के पास आ गए, जो इंजेक्टर को अभी टेस्ट करेंगे, और टेस्ट करने के बाद और क्लियर हो जाएगा ये ख़राब है या नहीं। तो देख रहे हैं क्या हो रहा है, भैया काम कर रहे हैं। आप लोग फोटो देखा ना, सुविधा जी फोटो देखा ना, सुविधा नहीं थे। तो ऐसा कि जो आरोप लोग देखे आप लोग भले ही हो, ये हमारे मंजीत दा है भैया, लोग देखा नहीं मंजीत, ये हमारे मंजीत दा है, जो बहुत पुराना मिस्त्री है, करीब 25 साल से मैं इनको पहचानते हैं, और पाम नोजल का बहुत बढ़िया काम करते हैं। बनहुगली में इनका दुकान है, जो डालम नियर डालम में पड़ता है। तो सीआरटी का जितना भी इंजेक्टर है काम फर्स्ट क्लास करते हैं, ज़रूरत पड़े तो इनसे मुलाकात कीजिए। इनका नाम हुआ मंजीत भैया, बोलिएगा बता देगा आपको। तो देखिए सिंह एंटरप्राइज है, तो सिंह एंटरप्राइज देखिए, इंजेक्टर टेस्ट हो रहा है। एक जो इसी तरह फायरिंग होता है इंजन के अंदर, देख रहे हैं ना, बिल्कुल इसी तरह इंजन के अंदर फायरिंग होता है। फिर कॉटा मुख से सेवन, सात को मुंह है इसका, सात को मुंह है इसमें, सेवन होल है जो तेल फायरिंग करता है, और इसी तरह सिलेंडर के अंदर ये फायरिंग करता है, और फिर गाड़ी आपका चलता है। तो अभी अच्छा ये बैक लीकेज है, ये इंजेक्टर को इंजन को देगा, अच्छा इंजन को सफिशियंट तेल नहीं मिल रहा है, बैक लीकेज ज़्यादा हो जा रहा है, दैट्स व्हाई यहाँ पर प्रेशर रिड्यूस हो जा रहा है। प्रेशर नहीं हो रहा है ना, हाँ ये प्रेशर रिड्यूस हो रहा है। अच्छा, तो प्रेशर नहीं हो रहा है, तो इनका कहने का मतलब हो गया, जो गाड़ी का इंजेक्टर का जो बैक लीकेज मैं आपको गाड़ी में दिखा रहा था ना, गाड़ी में बैक लीकेज, वही चीज़ यहाँ पे दिखा रहा है। देखिए दिखा रहा हूँ, इंजन में कौन जाएगा, ये बैक लीकेज जो आपको मैं इंजन में जाएगा, जो सात होल से फायरिंग कर रहा था वो वाला है, और इधर वाला जो रिटर्न है, जो गाड़ी में आपको मैं दिखा रहा था डब्बा लगा करके, तो ये इंजेक्टर पूरा फेल है ना। फेल मतलब क्या, फेल मतलब क्या, फेल से भी ज़्यादा बोल सकते हैं, और ख़राब से भी ख़राब। तो ये कंडीशन है, एक्चुअली ये हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, इंजन को सफिशियंट तेल मिलना चाहिए। अच्छा, बैक लीकेज उसका वन थर्ड होना चाहिए, ये रिवर्स हो गया। अच्छा, थोड़ा जोर से बोलने दो, जोर से बोलिए। बैक लीकेज ज़्यादा हो गया है, इंजन को कम मिल रहा है, एक्चुअली इंजन को जो मिलेगा उसका वन थर्ड रिवर्स रिटर्न होना चाहिए, या रिटर्न ज़्यादा हो गया इंजन को कम, रेक्टिफाई कर देंगे उसके बाद ये बढ़ जाएगा, ये कम जाएगा। तो समझ रहे हैं, यही चीज़ है, इसको आपको दिखाएंगे किस तरह बनता हुए दिखाएंगे आपको। वीडियो में लगे रही है, वीडियो बहुत दमदार बनने वाला है, और काफ़ी कुछ मिलने वाला है आपको, वीडियो को छोड़ना नहीं है। ये अभी नोजल इंजेक्टर को खोलेंगे और आपको अंदर का सामान दिखाएंगे क्या ख़राब है। टाइट बहुत ज़्यादा है इसलिए दिक्कत हो रहा है, टाइट ज़्यादा है तो
হ্যাঁ, গাড়ির হিসেব কোন গাড়ি আপনার? 2650 টাকা সুইচের দাম দেবেন, আর সুইচের দাম 2650 টাকা, আর ওই যে গ্লাস মেশিন আছে ও আপনি গ্যারেজে আছেন? তো इंजेक्टर बन गया, रिपेयर हो चुका, मशीन में लगा के इनको टेस्ट करेंगे अभी भाई साहब, देखिए क्या आ रहा ইন্টারেস্ট পাবে না, ফোনটা দেখতে থাকলে ইন্টারেস্ট পাবে। একবার থানাতে ছিলাম, একজনকে পুলিশ ধরে নিয়ে এসেছিল কোনো কারণে, জিজ্ঞেস করছে আপনি কি করেন, বলে ইউটিউবার আমি। কত টাকা রোজগার? বলে 45-40-45 হাজার টাকা। তো ইউটিউবে কী করে? তো কোনো অ্যাক্টর না কিছু না, যত উল্টা পাল্টা ভিডিও তৈরি করে ইউটিউবে দেখ। কত হচ্ছে এখানে? দোস্তো দেখ লিজে, হে আমারি পহেলি বারে রিডিং থি জো গলত থা, এ ইসমে তো দেখ রে আমো দেখা না। ये जो देख रहे हैं ना, ये ज़्यादा है, और उसके बगल वाला का ना उतना वो इसमें आएगा और उसमें इतना आएगा, पर इतना नहीं आएगा हिसाब से। जो बगल वाले जिसमें ज़्यादा देखे उसका परिमाण कम जाएगा, जो कम देखे उसका परिमाण बढ़ जाएगा। ठीक है, दिखाते हैं आपको। इंजेक्टर कम्प्लीट हो चुका है और आप लोगों को पता चल रहा होगा, कंप्लीट टेस्टिंग कंप्लीट हो गया। और एक बार और एक बार टेस्ट करेंगे भाई साहब। ये
नामुझी नामुझी वो जो देख रहे हैं ना, इंजन को तेल ज़्यादा जाएगा और जो इस तरफ देख रहे रिटर्न आएगा, रिटर्न तेल कम आएगा, उससे भी पूरा उल्टा हो रहा था, रिटर्न ज़्यादा हो रहा था और इंजन को जाने वाला कम हो रहा था। ये देखिए तो यही परफेक्ट है, इसको गाड़ी में अगर लगा दिया जाए तो फिर गाड़ी सही चलेगा, स्टार्टिंग का जो प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाएगा। आपको इंजेक्टर लगा करके दिखाएंगे क्या हुआ। फायरिंग कितना ज़्यादा पहले से देख रहे हैं ना, पहले बैक लीकेज के कारण इसमें प्रेशर नहीं हो रहा था और फायरिंग कम हो रहा था, अभी फायरिंग बहुत ज़्यादा है। तो ये सही है, अब इसको गाड़ी में लगाएंगे फिर आपको मैं आगे दिखाएंगे। तो चलिए, ये आपको पोलो है, बॉक्सर अगर पोलो, इनका इंजेक्टर का प्रॉब्लम आपको बता रहे थे। तो 3 नंबर इंजेक्टर ख़राब था, जो काम होके आ गया, फिटिंग हो गया, कोई कारण बस आपको मैं ब्लीडिंग करने का जो सिस्टम है नहीं दिखा पाया। मैं अगली वीडियो में आपको दे देंगे किस तरह ब्लीडिंग होता है, क्योंकि गलत ब्लीडिंग करने से भी इंजेक्टर लॉक हो जाता है, ये एक समस्या है, तो आपको दिखाएंगे अगली वीडियो में। तो अभी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो मैं इंजेक्टर का बैक लीकेज, और वो भी अब तक जो आपको मैं दिखा रहा था जो चलो ये कम ये बेसी, ये ज़्यादा बेसी है तो ख़राब है, ज़्यादा कम है तो ख़राब है, कितना कम होना चाहिए, कितना बेसी होना चाहिए, एक नॉर्मल तरीका से हो रहा था। मगर इस बार जो मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ, ये देख लीजिए जो मेरा सिस्टम है, जो मैं अभी 1 घंटा पहले इसको मैं रेडी किया, और इसमें आपको मैं पूरा पार सीसी कितना क्या बोलते उसको कितना ml आना चाहिए और नहीं आना चाहिए, सारा चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा। तो आज का वीडियो बहुत दमदार होने वाला है, ये वाला बहुत दमदार वीडियो होने वाला है, इसको आप मिस मत कीजिएगा और पूरा देखने की कोशिश कीजिएगा, काट के मत देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर दे दीजिएगा, क्योंकि रात को कितना बज रहा है अभी, 10 बजे, कितना 10:45 हो रहा है, 6, 1, 2, 3, 4, 5 तो करीब लगभग 11 बज रहा है। तो मैं अभी फाइनल इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मेरे पास एक चीज़ और बता दें आपको, मैं टाइम सेटिंग करता हूँ 3 मिनट का, 3 मिनट के अंदर मैं रिजल्ट निकालता हूँ, आप भी 3 मिनट टाइम सेटिंग कीजिए, अपने हिसाब से काम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। चलिए स्टार्ट कीजिए गाड़ी को। क्रैंकिंग ज़्यादा ले रहा है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक क्रैंकिंग ज़्यादा ले रहा है, लेट से स्टार्ट हो रहा है, और 3 नंबर इंजेक्टर तो ज़्यादा ख़राब था, उस समय स्टार्ट पूरा लास्ट पोजीशन में हो रहा था, मुझे लगता है बैटरी बैठ जाएगा। तो उस समय क्या था, 3 नंबर बहुत ज़्यादा बैक लीकेज था और बाकी में कम था, समझना मुश्किल था, उतना तो पता था जो ज़्यादा है वो ख़राब है, और जो बगल में दो था उसमें भी आपको बोले हम ये भी ख़राब है, मगर इसको नापने के लिए हमको पहले एक तो बनाना पड़ेगा, उसके हिसाब से इसको नाप करके देखेंगे, फिर हमको पता चलेगा कि ये ख़राब है नहीं सही है। तो एक प्रॉब्लम को मैं आज ख़त्म कर दिया, अभी इस वक्त एक प्रॉब्लम पूरा ख़त्म हो गया, और उसको बना करके आप फिर दूसरे सिलेंडर को चेक करने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप एक ही बार में पता कर सकते हैं कि आपका इंजेक्टर ख़राब है या नहीं, दो बार का इंतजार आपको नहीं करना होगा। चलिए आप यहाँ पे देखिए, ये 1 नंबर है और ये 2 नंबर है, ये इंजेक्टर का बैक लीकेज है, और ये 3 नंबर है, 3 नंबर का काम मैं करवा के लाया, तो 3 नंबर का काम करवा के लाए, बिल्कुल सही बैक लीकेज है। क्या पूरा बैक लीकेज खतरनाक ज़्यादा है, और इतना ज़्यादा
कि हमको लगता है चेंज करना पड़ेगा, डब्बा ही चेंज करना पड़ेगा। दो मिनट 30 सेकेंड, अभी 2 मिनट ही हुआ। ये पूरा भर ना जाए, लगता है भर जाएगा ये। वीडियो को चलाना है और ये भर गया, देख लीजिए 3 मिनट चलाना है, फिर बाहर आना है, देख लीजिए। टॉर्च को बंद कर देंगे, थोड़ा मैं स्टार्ट करते समय थोड़ा लेट चालू किए थे मैं, गाड़ी बंद करो और इसको भी बंद कर दिए, यानी कि लगभग ये पूरा पूरी 3 मिनट, उस समय मैं 10 सेकंड लेट स्टार्ट किया था इसको, और अभी मैं 10 सेकंड पहले इसको मैं बंद कर दिया, नज़र आ रहा होगा आपको, तो ये बिल्कुल 3 मिनट का टाइम, 1-2 सेकंड इधर उधर कोई मायने नहीं रखता है। तो सबसे पहले आप नोट कर लीजिए, जो बहुत काम का चीज़ है, बैक लीकेज तो देखेगी, ये बैक लीकेज है, ख़राब है, मगर जो प्रॉब्लम हो रहा था कि कितना बैक लीकेज होना चाहिए, एक्चुअल कितना होना चाहिए, इस ये समस्या हो रहा था कि मेरे पास इससे पहले सिस्टम था उसमें भी वो चीज़ पता नहीं चल रहा था। मैं सिर्फ आपको दिखा रहा था इतना कि ये ज़्यादा है और ये कम है, जो कम है वो सही है, जो ज़्यादा बैक लीकेज है वो ख़राब है, मगर इसमें आपको मैं दिखा रहा हूँ कि कितना आना चाहिए। तो इसको आप लोग नोट करके रख ले, ये आपको वॉक्सवैगन पोलो है, पोलो गाड़ी के लिए नोट करके रख ले। ये डब्बा आपका 75 ml का डब्बा है और 15 ml नज़र आ रहा है, 15 ml, ये जो 15 ml तेल निकला है ना, इतना तेल ही आएगा, और ये बाकी का तो गया गया, क्या गया, भी उससे भी ज़्यादा गया। तो ये 15 ml तेल 3 मिनट में निकला है, यही ठीक है, इतना ही बैक लीकेज होना चाहिए। तो अगर मैं आपको समझा पाया तो आप मेरा जो वीडियो है इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जितना भी आपको जान पहचान वाले दोस्त हैं सारे को एक वीडियो देगा, जितना भी आपको जान पहचान वाले दोस्त हैं उनको आप ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, और क्या बताया आपको मैं, कॉमेंट भी कीजिए। जो मेरा कोशिश था, जैसे कि मैं कुछ आप लोगों को देना चाहता था और बिल्कुल सही तरीका से क्लियर ही देना चाहता था ताकि प्रॉब्लम ना आए, तो मुझे लग रहा है कि मैं जो दिया ये सही है, ये काफ़ी काम का है, मैं ऐसा कर सकता हूँ और आपको आगे प्रॉब्लम नहीं आएगा, तो बिल्कुल इसी हिसाब से काम कीजिए। अच्छा, मैं गलती तो कुछ नहीं कर रहा हूँ कहीं पर, मैं सारा चीज़ आपको बता दिया। अच्छा, एक चीज़ और आपको बता दूँ मैं, जो गलती हो जाता है, जैसे कि 15 ml देख रहे हैं, 15 ml आपको बताया मैं बैक लीकेज 3 मिनट में होना चाहिए, मगर ज़रूरी नहीं है कि 15 ml ही आए, हो सकता है कभी 15 का जगह मान लीजिए अगर 17 ml आ जाए या 20 ml भी आ जाए, मान लीजिए 15 का जगह अगर 20 ml भी आ जाता है, फिर भी ये इंजेक्टर चलेगा, खोलने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि इसको देख लीजिए आप, ये बाबू तो पूरा लंबा इतना खड़ा हो गया है कि पूरा बाहर निकल गया है, तो ख़राब का मतलब समझ सकते हैं ना कितना ज़्यादा बैक लीकेज है, समझ सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि मैं 15 ml आपको दिखाया, 15 ml से ज़्यादा हुआ तो खोल दे, ऐसा नहीं, 20 ml तक भी सही रहेगा, दिक्कत नहीं आएगा, और 15 से तो नीचे भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि थोड़ा इधर उधर होता है, तो इसी आपको दिमाग में रखना है, ऐसा नहीं कि 15 ml ही कर दो। मैं तो यहाँ तक ऐसा देख रहा हूँ कि जितना बैक लीकेज है इसको आपको, अगर ये 15 से अगर 20 से अगर 22 भी हो जाए तो फिर भी ये चलेगा, मगर इससे डबल नहीं होना चाहिए, 25 नहीं जाना चाहिए, 30 नहीं जाना चाहिए, 15 में है, 20-22 इतना हम रख सकते हैं, अगर बैक लीकेज आएगा तो फिर भी ये सही है, मगर इससे ऊपर जाएगा तो हम ख़राब पकड़ लेंगे, ठीक है, आप 20 को ही ख़राब पकड़ लीजिए, क्योंकि 3 मिनट में जो आया है यही रहना चाहिए हर गाड़ी में, मगर एक इंजेक्टर ऐसा चीज़ है कि मिस्त्री जो सामान चेंज करता है ना, चेंज करने के बाद
सही कैलकुलेशन तेल का नहीं होता, थोड़ा कम बेसी हो जाता है, क्योंकि उसमें कोई एडजस्टिंग तो है नहीं स्क्रूप वाला कि मेजरमेंट कर दो। ऊपर सिस्टम है, नया सामान डालता है उसके अंदर, वो कोई ना कोई कारण से थोड़ा कम बेसी हो जाता है, तो वहाँ पर टेंशन नहीं लेना है। सिर्फ 15 पे आपको दिमाग नहीं सेट कर देना है, 15 थोड़ा कम भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, 15 की जगह 20 भी चले जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, 22 भी चले जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर 25 को खराब पकड़ लेंगे। 25 मिलीमीटर क्या है, ML 25 ML या 30 ML हो रहा है उसको हम खराब पकड़ लेंगे, क्योंकि हमको जब इंजन को सही तरीका से चलाना है, अगर सही चलाना है उसको हम खराब पकड़ लेंगे, और नहीं हम ऐसे सोच लेंगे जो चल रहा है चलने तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा तो फिर सही है, मगर अगर सही तरीके से चलाना है सही तो हम 15 को ही मानेंगे, 15 के ऊपर नहीं जाने देंगे, फिर भी 20 तक मानेंगे, 20 के ऊपर वाले को हम सही नहीं मानेंगे, उसको हम समझ लेंगे ख़राब है, अगर हमको सही तरह से इंजन को चलाना है तो। चलिए तो मैं ऐसा करता हूँ, ये वीडियो आपको समझ गए होंगे, मैं जो समझाना चाहता हूँ समझ गए होंगे, और ये वीडियो काफ़ी लंबा है, तो इतना देर तक जो आप मेरे साथ जुड़े हो ये पूरा इस बात का साबूत है कि आप कुछ करना चाहते हैं अपने लिए, अपने ज़िंदगी में इस गाड़ी ऑटोमोबाइल सेक्टर में, ये इस बात का साबूत है, तो कोई संदेह नहीं है कि आप लोग काम करना नहीं चाहते हैं, आप बहुत महत्वाकांक्षी हो तभी तो इतना देर तक जुड़े हो और पूरा चीज़ को सीखने की कोशिश कर रहे हो, तो इसी तरह आप सीखते रहिए, थोड़ा सा यूट्यूब के पीछे टाइम देते रहिए, इधर उधर मन देखिए, एक चीज़ देखिएगा आप कितना इतना बड़ा भी वकील क्यों ना हो जाए, वकील पढ़ता जरूर है, जो वकील पढ़ता है कंटिन्यू वही वकील बड़ा होता है, जो मास्टर कंटिन्यू पढ़ाई करता है वही दूसरे को सही पढ़ा पाता है, तो आजकल ऑनलाइन बहुत अच्छा चीज़ है जो आप उस जगह से बहुत कुछ सीख सकते हैं, कंटिन्यू सीखते रहिएगा, जितना आपके अंदर जाएगा उतना बाहर निकलिएगा, तो सीखने वाला काम को छोड़ना नहीं है। बहुत पका दिया मैं आपको, बाद में भी बात करेंगे, अभी मैं बंद करता हूँ, रात ज़्यादा हो गया, तो बाय।